Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस जगह का नाम है कासरवाड़ी, पुणे की नामचीन जगह है। इसको मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे भी कहा जाता है। अगर आप हाईवे के उस तरफ देखो तो आपको हमारा ऑफिस दिख जाएगा, मतलब मेरे हस्बैंड का, बीस आयुरिस प्रोफेशनल स्टडीज़ एंड कॉलेज। और हाईवे के जस्ट अपोजिट साइड में इस तरफ होटल है, उस तरफ ऑफिस है, तो मेरे हस्बैंड इजीली मैनेज कर लेते हैं सब कुछ। मैं यहाँ पर हाईवे पे खड़ी हूँ, व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैं यहाँ पे आप सबको बता रही हूँ कि आमने सामने ऑफिस और होटल दोनों है, तो मेरे हस्बैंड आराम से मैनेज कर लेते हैं दोनों चीज़ सामने सामने होने की वजह से। और ये आप देख सकते हो मेट्रो है, पुणे का मेट्रो, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हो वहाँ पर ऑफिस, यहाँ पर होटल और बीच में मेट्रो है। मतलब कितनी ही मौके की जगह है ये, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेलवे स्टेशन भी जस्ट होटल के पीछे ही है। सो अब हम लोग, मैं आपको ले चलती हूँ भीतर। तो ये है होटल का मेन एंट्री। यहाँ पर मुनमुन आ गई थी, वो क्या लाई थी, माजा की बॉटल लाई थी, उससे ढक्कन नहीं खुल रहा था तो खुलवाने के लिए लाई थी। बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यार मैनेज करना, और बच्चों को मैं एक रूम में बैठा कर आई थी ऊपर, तो यहाँ पर बिल्ली आ गई थी छोटी सी। तो ये पार्किंग का एरिया है, जैसे भी कोई भी आता है होटल में तो पहले पार्किंग खोजता है, तो ये पार्किंग का एरिया है। त्रिमूर्ति रेस्टोरेंट एंड बार ये नाम है हमारे होटल का। तब मैं आपको भीतर ले चलती हूँ, ये मेन एंट्री है। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, बाहर एक बोर्ड था, एक हाईवे पे मेन हाईवे पे बोर्ड था। और ये सीढ़ियाँ है जो ऊपर जाती है लॉजिंग की तरफ, लेकिन पहले हम डाइनिंग एरिया देखेंगे। तो ये एंट्री है, और ये टेबल ना अभी बनाया है, मतलब हो गए 8-9 महीने हो गए, आपने मेरे रील में देखा होगा शायद कि टेबल अभी अभी बना है, काउंटर टेबल। यहाँ पे फैन और 2-3 रिसीवर रखे हुए हैं, जिससे कोई लॉजिंग से कॉल करता है तो यहाँ पर रिसेप्शन पे बात हो जाती है। ये जो रिसेप्शन है ये डाइनिंग का रिसेप्शन है, लॉजिंग का रिसेप्शन अलग है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बहुत ही सुंदर वहाँ पर ऊपर लगाया हुआ था लैम्प झूमर। तो मैं यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ तो मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे क्या काम है ना, बार एंड रेस्टोरेंट में मेरा क्या काम है। तो ये फ्रिज है, फ्रिज भी देखो 4-5 जगह पे फ्रिज लगे हुए हैं। ये डाइनिंग एरिया है, कोई भी आता है। और यहाँ पे ये काउंटर टेबल है, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, हर एक फ्लोर का अलग अलग वाईफाई दिया हुआ है, रिसेप्शन का अलग और ऊपर का अलग, हर तरफ का अलग अलग वाईफाई है। लाइट्स वगैरह प्रॉपर है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। प्लस यहाँ पे देख रहे हो, जब हमारी ओपनिंग हुई थी ना तब हमने यहाँ पर पूजा करी थी, सब टेबल वेबल हटा के फर्स्ट पूजा यहाँ पे की गई थी। मैं यहाँ पे बैठ गई क्योंकि मैं चल चल के थक गई, बताओ मैं तो कितना थक जाती हूँ भाई साहब, लेकिन मैं हारी नहीं, मैं फिर उठी। यहाँ पे मामा जी बैठे थे, मामा जी उठ के जा रहे थे, मतलब ये हमारे ड्राइवर मामा जी है जो गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप इधर ही बैठिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे टूर कर रहे हैं होटल टूर। तो बोले ठीक है ठीक है। होटल की स्पेस ज़्यादा बड़ी है, ओपन है, अगर मैं बोलती तो इको साउंड हो जाता, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही करूँगी। तो ये जो एरिया है ना, ये बार का काउंटर है, बार का रिसेप्शन है, आगे मैंने आपको डाइनिंग का दिखाया, लॉजिंग का अलग रिसेप्शन है। तो अभी ये जो है ये बार का है, ये भैया यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह ही आ गई थी, ये सफाई करने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, अभी ये सफाई कर रहे हैं। कितने समय से हो भैया इधर? 3 साल हो गए। 3 साल? हाँ। नेपाल से आए हो क्या आप? नहीं, मध्य प्रदेश। होटल में 2 मंदिर है, ये एक बार का मंदिर है, एक लॉजिंग का भी है जो कि बाहर है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे रोज़ ये भैया पूजा करते, मैं आपको पूजा के बर्तन भी दिखाऊंगी। आपने नारियल देखा साइड में रखा हुआ था, एवरीडे यहाँ पे फूल माला चढ़ती है, पूजा पाठ। देखो बिजनेस कोई भी हो, आखिर है तो बिजनेस ही, हमारा अर्निंग का यही साधन है, तो पूजा पाठ तो हमें करनी ही चाहिए। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखे, और आप साफ़ सफाई देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से सफाई की गई है। ये वॉश बेसिन है जो, मतलब खाना खा के जिसको हाथ धोना है
यहाँ पे जाके हैंड वॉश कर सकता है। और मिरर है यहाँ पर, और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो पीछे की तरफ एक कॉमन वॉशरूम है, जैसे कोई भी आया कस्टमर वगैरह, मतलब जो सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहा है तो उसको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो यहाँ पर है पीछे की तरफ। लॉजिंग वाला वॉशरूम उनको नहीं दे सकते हैं ना हम लोग। और ये देखो आप पूजा पाठ के बर्तन, मैंने कहा ना यहाँ पर अच्छी तरह से मतलब पूजा पाठ होती है पूरा, मतलब बाहर का भी मंदिर अंदर का भी मंदिर पूजा पाठ फूल माला नारियल एवरी डे पूजा अच्छी तरह से यहाँ पर होती है। बर्तन देखिए आप कितने चमक रहे हैं, देखिए भैया से पूरा तीन चार भैया है जो परमानेंट रहते हैं वो लोग रेगुलर करते हैं। ये ग्लासेस का स्टैंड है बर्तन का वगैरह, आप सफाई देख सकते हो, कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी पूरा होटल में। क्योंकि मेरे हस्बैंड का है ना कि वो सेहत के साथ कोई खिलवाड़ करना पसंद नहीं करते हैं, पूरा अच्छी तरह से साफ सुथरा मेंटेन करके रखे हैं। चाय दे दीजिए भैया। चलो चाय पी के फिर से काम पे लग गए। और आप देख सकते हो यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, चार एसी नीचे डाइनिंग एरिया में, फ़ैन भी है लेकिन एसी भी है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे चलाए। अभी तो फ़िलहाल पुणे का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो एसी की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो लग जाते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी दिया गया है, खाना खाते हैं लोग आते हैं म्यूज़िक बजता है। ये डेकोरेशन के लिए इस तरह के झूमर भी लगाए गए हुए हैं। ये बाहर का मंदिर है मेन रिसेप्शन का, इसका भी अभी मतलब पूजा पाठ होना बाकी है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं बहुत जल्दी आ गई थी तो अभी पूजा नहीं हुई है। आफ्टर कोरोना सैनिटाइजर स्टैंड कंपलसरी कर दिया था हर जगह पे, तो वो भी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। सो अभी हमने आपको इस ब्लॉग में पूरा एंट्री से दिखाया कि कहाँ पे लोकेट करता है हमारा होटल। ये होटल है, लॉजिंग है, रेस्टोरेंट है, बार भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर है और बहुत बड़ी स्पेस में बनाया हुआ है। सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। ये मुंबई पुणे मेन हाईवे पर लोकेट करता है, तो अगर मुंबई से भी लोग आ रहे हैं तो उनको इजी पड़ता है, और पुणे से भी कोई आ रहा है तो एकदम हाईवे पे है। तो मेन प्लस पॉइंट है इसका लोकेशन, क्योंकि एकदम नासिक फाटा, यहाँ का जो सबसे फेमस एरिया है नासिक फाटा, वहाँ पे लोकेट करता है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, शायद इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। मैं देखूँगी किस तरह से लेंथ हो रही है ब्लॉग की, बता नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से भी होगा मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैं आपको किचन में ले चलती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पैंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं किचन की टूर करवाऊँगी। यहाँ पे वेज नॉन वेज हर तरह का खाना बनता है, क्योंकि ये होटल है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।